اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري رحمه الله यूम उसी ही वलम यकुन यश ना फिल मकतूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ से मतलब जिस तरह से भी इंसानों के साथ कुछ हादसात कुछ वाकयात और कुछ मसाइल पेश आ सकते थे तकरीबन ऐसी तमाम बातें तमाम रहनुमाई आपने फरमाई है कबले के बारे में इससे पहले हमने हदीस पढ़ी थी कि किबला जो काबा है उसकी सिमत में मुँह करके नमाज़ पढ़ना ये ज़रूरी है लेकिन अगर कभी कोई इंसान सफ़र में हो सवारी पर सवार हो तो ऐसी सूरत में सवारी कुछ का रुख कभी की तरफ़ होता है कभी किबले से दूसरी सिमत में होता है और कभी किबले से मुखालिफ सतत में होता है तब तो ऐसी सूरत में नमाज़ पढ़ने वाला किबले का इस्तकबाल कैसे करे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुसल्लम से मुतालिक आमिर बिन रबिया रजील्लाहु तआला अनु बयान फरमाते हैं कि रायतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसल्ली अला रहिलतिही मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी पर नमाज पढ़ते हुए देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर नमाज पढ़ रहे थे अब सवारी पर नमाज़ कैसे पढ़ी जा सकती है बाज़ मरतबा कभी ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि लोग सवारी पर खर, खड़े हो जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं एक अजीब व गरीब नमूने के तौर पर नबी करीम अलैहि वसल्लम सवारी पर खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ते थे इसलिए कि पहले जो सवारी होती थी वो जानवरों की या तो ऊँट है या तो खच्चर है या तो गधा है तो इस तरह से इन पर आपने सवारियाँ की हैं इनके अलावा और जो दीगर सवारियाँ हैं मक्का, मदीना इस इलाके में मरूफ नहीं थी तो आप ये तीन कस्म की सवारियाँ किया करते थे तो सवारी पर नमाज उस हालत में पड़ते थे कि जिस तरह से एक सवार होने वाला सवारी पर बैठ जाए और जब बैठते हैं सवारी पर तो दोनों पैर दो तरफ होते हैं चेहरा उस सिमत में होता है जिस सिमत में सवारी का चेहरा हो सवारी उधर की तरफ जा रही हो ऐसा नहीं होता कि सवारी इधर जा रही है चेहरा हमारा इधर है या सवारी इधर जा रही है चेहरा हमारा दाएं या बाएं हैं हम घूम कर बैठ जाए तो इसमें गिरने का भी डर है और बैठने वाले के लिए भी ये मुश्किल है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सवारी पर बैठते हैं ऐसे ही बैठकर नमाज पढ़ते थे मैंने ऐसा देखा है ये आमिर बिन रबी रज़ील तु फरमाते हैं है तो भी ही अब जब नमाज़ हम शुरू कर दें और हमारा ये रास्ता है तो जाहिर सी बात है सवारी इसी रास्ते पर जाएगी किबला इधर है तो हमने सवारी का चेहरा इधर कर दिया तो सवारी तो इस सिमत में नहीं जाएगी क्योंकि इधर रास्ता ही नहीं है सवारी भी रास्ता देखकर चलेगी हमने सवारी का चेहरा इधर किया हुआ है और ये समझिए कि इधर किबला है हमने नमाज पढ़ना शुरू कर दी तो नमाज पढ़ने के बाद सवारी हमारे किबले का अहतमाम कहाँ से करेगी सवारी को क्या पता हमारा किबला किधर है सवारी तो सामने देखेगी सामने रास्ता किधर है तो उसे रास्ता इस सिमत में नजर आएगा उस रास्ते उस रास्ते पर चलते रहेगी फिर आगे जाके कहीं दाएं तरफ रास्ता मुड़ता होगा तो उधर निकल जाएगी तो आमिर बिन रबी रजील तु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी पर नमाज पढ़ते हुए देखा उस सिमत में जिस समत में वो जा रही थी सवारी जिस सिमत में जा रही थी उसी सिमत में मुँह करके मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा है इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने रिवायत किया है इमाम बुखारी रहा के पास इस हदीस में ये अल्फाज भी हैं यू मू बरा अब जब बैठकर नमाज पढ़ेंगे सवारी पर दोनों पैर दो तरफ हमारे लटके हुए होंगे तो इसमें रुको और सद्धा कैसे किया जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकु सद्दा कैसे करते थे यूम्यू भी ही आप अपने सर से इशारा करते थे अपने सर से इशारा करते थे ऐसे नहीं कि पूरी सवारी पर जाकर सर रख लेते थे बल्कि अपने सर को थोड़ा सा झुका ले सर से इशारा करना इशारा हल्का सा भी हल्का सा ही होता है बहुत ज्यादा इस तरह से किया जाए इसको इशारा नहीं कहते या जमीन पर सर रख दिया जाए या सवारी के पीठ पर सर रख दिया जाए इसको इशारा नहीं कहते बल्कि इसे कहा जाता है कि सवारी के पीठ पर सर रखना जब हम इशारा कहेंगे तब तो ऐसी सूरत में हल्का सा सर झुकाना हुआ यूं बेरासी ही आप वसल्लम अपने सर से इशारा करते थे और दीगर बात जगहों पर दूसरी रिवायतों में है कि आप सजदे में रुकू से ज्यादा इशारा करते थे सजदे में रुकू से ज्यादा इशारा करते थे जैसे जो लोग कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं अगर वो खड़े नहीं रह सकते हैं या ज़मीन पर रुकू नहीं कर सकते सज्दा नहीं कर सकते उन्हें बैठना ही है हर हालत में उन्हें बैठना ही है रुकू की हालत में बैठे रहना है खड़े होकर रुकू करना भी उनके लिए मुश्किल है सज्दे की हालत में बैठे ही रहना है तब भी उनके लिए मुश्किल है तब तो ऐसी ऐसी सूरत में उनका रुकू और कैसे होगा तो हमारे पास ये सवारी का जो वाकया है ये रहनुमाई करता है क्या वसल्लम जो इस तरह से बैठे हुए होते तो आप अपने सर से इशारा करते थे और दिगर रिवायतों में है कि सजदे में रुकू से ज्यादा इशारा करते मतलब अगर हमको रुकू करना है हल्का सा हमने सर झुका लिया सजदा करना है थोड़ा सा आगे हमने सर झुका लिया ये दोनों में सिर्फ फर्क हुआ कि ये हल्का सा सर झुकाना ये रुकू हुआ और ज्यादा सर झुकाना ये सजदा हो गया तो नबी क़रीम अलैहि वसल्लम सवारी पर इस तरह से किया करते थे इससे समझ में आता है कि ये सवारी ही नहीं अगर कोई इंसान किसी भी जगह बैठकर नमाज पढ़ रहा है और रुकू करना या सजदा करना उस उसके लिए मुश्किल है तो वो यही तरीक़ा अपनाएंगे चाहे वो बेड पर बैठा हुआ हो या कुर्सी पर बैठा हुआ हो या सीढ़ी पर बैठा हुआ हो या किसी और चीज़ पर बैठा हो वलम यकुन यु फिल मकतूब और आमिर बिन रबिया रजी तु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु सल्लाम ऐसा फर्ज में नहीं करते थे नफिल में करते थे इस तरह से सवारी पर बैठ कर नमाज पढ़ने का तरीका ये आपका नफिल में होता था फर्ज में नहीं होता था आमिर बिन रबिया रजील तन ये बात बता रहे हैं तब नबी फर्ज नमाज के लिए क्या करते थे क्योंकि सवारी आपकी अपनी होती थी सवारी आपकी अपनी होती थी ऐसे कोई किराए की सवारी जिसमें दस लोग बैठे हुए हों वो तो नहीं होता है क्योंकि ऊंट की सवारी है एक या दो आदमी बैठेंगे गधा हो या खच्चर हो एक से दो आदमी बैठ सकते हैं हमारे पास सवारियां बस हैं ट्रेन है दसियों आदमी सैकड़ों आदमी बैठे रहते हैं और वो एक के एक के इख्तियार में नहीं होती वो सवारी एक आदमी के अख्तियार में होती है और आप सवारी के मालिक भी थे आपके पास अपनी आजादी सवारी भी थी तो जब आपको फर्ज नमाज पढ़ना होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी को रोक कर जमीन पर उतर जाते और फिर किबले की तरफ मुंह करते उधर मुँह करके आप नमाज पढ़ने लगते थे नफिल नमाज पढ़नी होती थी तो जैसे फौज नमाज आपने ज़मीन पर पढ़ लिया मिसाल के तौर तो पर ज़ोहर की नमाज पढ़नी है आपने चार रखा जमीन पर पढ़ा अब बाकी और सुन्नतें पढ़नी है आप सवारी पर बैठ जाते आगे चलते रहते सवारी पर बैठे बैठे नमाज पढ़ते रहते थे अब वो सवारी का कभी किबले की तरफ होता कभी किसी और सिमत में होता जिधर जाना है उधर उसका चेहरा होता है तो भी आमिर बिन रबिया रज़िल्लाहु तुम कहते हैं सवारी का चेहरा जिधर होता उधर ही मुंह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज पढ़ लिया करते थे अबू दाऊद रहमहुल्लाह के पास इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में अनस रज़िल्लाहु अल्लाह तु से एक रिवायत नकल की है कहते हैं वकान इदा साफरा फ आराद अय्यतत्तव्वा इस्तकबल बिनाकति ही अलकिबलता कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम जब सफर करते और सफर में नफिल नमाज पढ़ना चाहते तो इस्तकबलाबला तो पहले अपनी सवारी का अपनी उठनी का नाका यहाँ पर उठनी का जिक्र हुआ है कि उठनी पर आप सवार थे तो अपनी उठनी का चेहरा किबले की तरफ कर लेते जिस जगह होते तो नमाज पढ़ना होता तो पहले आप किबला उसका या उसका चेहरा किबले की तरफ कर लेते और फिर तकबीर कह के अल्लाह अकबर आप नमाज शुरू कर देते सुखब तो, बारा सुम मसल्ला फिर आप तकबीर कहते नमाज पढ़ते हे सुखा न का भी जिधर भी आपकी सवारी का चेहरा हो जाए इब्तदा जब आपको करनी होती थी तो आप सवारी का चेहरा किबले की तरफ कर लेते और नमाज पढ़ना शुरू कर देते जैसे नमाज पढ़ना शुरू कर देते अब उसके बाद सवारी अपने रास्ते पर चलने लगती अब वो रास्ता उस उसकी उसका चेहरा चाहे जिधर हो जाए उधर ही आप वैसे ही मुंह करके नमाज पढ़ने लगते थे तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह की इस हदीस में इस अनस बिन मालिक रजील तन से जो उन्होंने नक़ल किया है इससे एक बात ये समझ में आती है कि अगर नफिल नमाज भी सवारी पर पढ़नी हो तो उसकी इब्तदा किबले की तरफ मुंह करके होनी चाहिए शुरू में हम जब नमाज पढ़ रहे हैं तब हमारा चेहरा किबले की तरफ हो अब बाद में सवारी का चेहरा तब्दील हो जाए किसी और सिमत में मुड़ जाए तब वह हमारे इख्तियार में नहीं है लेकिन हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी अगर आखिर तक भी उसका चेहरा क़िबले की तरफ नहीं आया हो सकता है मुकम्मल मुखालिफ सिमत में ही रहे आखिर तक हम नमाज पढ़ रहे हैं और हमारे हमारी पीठ किबले की तरफ है जैसे मैं बैठा हुआ हूँ मेरी पीठ किबले की तरफ है आपका चेहरा किबले की तरफ है अगर मैंने शुरू किया इधर मुँह करके और फिर मैंने फिर सवारी को घुमा दिया या ड्राइवर ने सवारी को घुमा दिया और फिर वो अपने रास्ते पर चलने लगा जाना इधर है तो जैसे वो जाते रहे आखिर तक हमारी अपनी पूरी नमाज हम मुकम्मल कर सकते हैं हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी ये दोनों रिवायतें नफिल नमाजों से मुतक हैं अब फर्ज नमाज के बारे में चूँकि नबी करीम वसल्लम का तरीका ये था कि फ़र्ज नमाज आप सवारी से उतर कर पढ़ते थे तो ऐसी सूरत में जबकि सवारी जाती हो आपकी अपनी सवारी हो और सवारी पर आपका अपना इख्तियार हो तो आप सवारी से उतर कर फर्ज नमाज पढ़ेंगे लेकिन जैसे बस में आपको नमाज पढ़नी है बस का सफर दस घंटे का है बारह घंटे का है मुसलसल बस चलने वाली है या फिर ट्रेन का सफ़र आप कर रहे हैं ट्रेन रात भर चलने वाली है दिन भर चलने वाली है या इसी तरह से हवाई जहाज का सफ़र हो रहा है कई घंटों का सफ़र है तो बाद मरतबा कभी आप देखते हैं कि ट्रेन से सफर करने वाले जैसे ट्रेन रुकती है स्टेशन पे उतरते हैं वहां नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं ये जो हरकतें होती हैं ये आ बैल मुझे मार वाली बात होती है इनको इसका मुकल्लफ नहीं बनाया गया कि ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है आप सीधे उतर रहे हैं उतर कर जमात बना के आप नमाज पढ़ रहे हैं अगर ट्रेन छूट जाती है तो सब दौड़ेंगे सब भागेंगे या अगर वैसी बैठे रहे तो पता चला ये यहां रह गए ट्रेन अपनी जगह पहुंच गई सामान भी बिस हो गया उन लोगों का तो तकलीफ हुई इनको अल्लाह की इबादत करने के लिए नीचे उतरे थे और इस तरह से उनका अपना नुकसान हुआ अल्लाह तबा रखो ताला इस तरह से बंदे से इबादत नहीं चाहता आप इबादत बगैर तकल्लुफ करना है बगैर तकलीफ पहुंचाए करना है आपको नीचे उतर कर जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि स्टेशन प्लेटफार्म ये लोगों के चलने की जगह है अब लोगों के चलने की जगह आप सब बना लें, वहां खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे तो ऐसी सूरत में रास्ता बंद करने की वजह से या रास्ता रोकने की वजह से आने जाने वालों को तकलीफ देने की बिना पर नमाज का सवाब तो कम गुना आपको ज्यादा मिलेगा आपको गुना ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो जगह है ही नहीं तो आप जहां अपने अपने डब्बे में सीट पर जहां बैठे हुए हैं वो जगह आपकी नमाज के लिए काफी है उसी जगह आप पर और फिर ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रेन में हैं, बीस पच्चीस लोग साथ में हैं, तो सबको जमात बनाकर ही पढ़ना है पूरे डब्बे को यहां से वहां से बंद कर देना है उधर दो तीन आदमी को खड़ा करना है इधर दो तीन आदमी को खड़ा करना है और बीच में लगे सर बकरा की तिलावत करने तो इसको कहते हैं देर दिमाग ज्यादा होशियारी करने वाले इबादत कम होशियारी ज्यादा है इनको इबादत का तरीका नहीं पता है ये इस्लाम को सही पह, सही पहचानते नहीं हैं इन्होंने ये समझा हुआ है कि बस ऐसी इबादत है ऐसे करके हम दिखाएंगे चाहे जो हो जाए सफर में जब नबी करीम वसल्लम सवारी पर बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं तनह पढ़ रहे हैं किसी और की सवारी है वो अपना तनाव पड़ रहा है आप ट्रेन के अंदर मौजूद है आपकी सीट यहां है दूसरे की सीट वहां है तीसरे की वहां है चौथे की इधर है जगह जगह लोग बैठे हुए हैं ये सबको घेर के एक जगह पर जमात बनाने की क्या जरूरत है सफर में वैसे ही चार रकात वाली नमाज को दो रकात बना दिया गया ताकि आपको आसानी हो और आप सफर में अपने आप को मुश्किल में डालकर बड़ी इबादत दिखाना चाहते हैं अल्लाह को यह पसंद नहीं है अल्लाह को इस तरह की इबादत पसंद नहीं है ऐसे ही आप स्टेशन पर उतर जाए पता चला दो तीन मिनट गाड़ी रुकने वाली है आप सब खड़े उतर जाएं, उतर के जमात बनाने लगे थोड़ा सा रास्ता रोक लें कुछ लोगों को इधर चारों तरफ खड़ा कर दें, ये कोई सामने से ना गुजर सके और सबका दिमाग ट्रेन की तरफ है कभी ट्रेन ने बीच में सीट दे दिया पता चला यहां सबका दिमाग अलग हो गया किसी का दिल दिल नमाज में नहीं है अब इतमान से सफर में हैं, से है इतमान से बैठिए नमाज इतमान से पढ़ना है गड़बड़ी में हड़बड़ी में नहीं पढ़नी है और इस तरह से आपको अपने आप को तकलीफ में डालने की कोई जरूरत भी नहीं है इसलिए हम देखते हैं कि ऐसी जगहों पर बाज काफिर मुसलमानों को अदब सिखाते हैं काफिर भी मुसलमानों को अदब सिखाते हुए नजर आते हैं इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है लेकिन मुसलमान बदतरीन कौम है इस्लाम इतना अच्छा मजहब है लेकिन इस्लाम को मानने वाले मुसलमान ये अच्छे लोग नहीं, है। अदब नहीं है इनके पास। की इबादत करनी है, आप के पढ़ ये सफर है, ट्रेन है स्टेशन है यहां पर आप सफर में रास्ता रोक के नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है तो काफिर हमें दर्ज देता हुआ दिखाई देता है तो मुसलमानों का ईमान यह समझ में आता मुसलमान इस्लाम पर किस तरह से अमल कर रहे होते हैं तो सफर में सफर की हालत में है तो वहां हमें जमात की जरूरत नहीं अब जहां है अपनी जगह पर इतमान के साथ किसी को कोई तकलीफ ना हो अब ऐसी जगह बैठे जहां आने जाने वाले का कोई मसला भी ना हो अगर आपकी सीट ऐसी जगह है जहां आने जाने वाले बहुत हैं, तो आप कोई थोड़ी देर के लिए दूसरी सीट पर चले जाएं किससे बात करके मू सुकून से बैठकर नमाज पढ़ लें आपको जो पढ़ना है पढ़ते नहीं जितनी तलाद करना है करते नहीं किसी को आपको आपसे आपसे तकलीफ नहीं होगी और आपको भी जल्दी करने की जरूरत पेश नहीं आएगी अब रहा मसला फर्ज नमाज का, कि नमाजें क्या सवारी पर हम पढ़ सकते हैं तो हां फर्ज नमाज भी हम सवारी पर पढ़ सकते हैं अब वो न, जो वाकिया है नबी करीम वसल्लम का वह आपकी अपनी जाति सवारी थी जाती सवारी हो तो आप फर्ज नमाज के लिए सवारी को रोकर पढ़ सकते हैं जैसे आप अपनी कार से कहीं जा रहे हैं बॉम्बे जा रहे हैं यहां से रास्ते में फर्ज नमाज का वक्त आ गया जोहर आपको पढ़नी है आप उधर जाइए कहीं भी पढ़ लीजिए मैदान है मैदान बिछाकर पढ़ लीजिए मस्जिद नजर आ गई वहां जाकर पढ़ लीजिए कोई होटल है वहां पढ़ लीजिए असर का वक्त आ गया वहां उतर के पढ़ लीजिए मगरिब है ईशा है दो दो र, दो दो नमाजें जमा करके पढ़िए जोहर और असर को एक टाइम में पढ़ लीजिए मगरिब और ईशा को एक वक्त में पढ़ लीजिए इस तरह से दो मरतब आपको चार नमाजों के लिए उतरना पड़ेगा लेकिन अगर आपकी वो सवारी जाती नहीं है आप बस में हैं ट्रेन में हैं जहाज में हैं तब तो ऐसी सूरत में क्या करना होगा जिस तरह से नफिल नमाज में अबू दाउद रहमोल्ला की जो रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते थे तो अपना चेहरा किबले की तरफ कर लेते तो सवारी का चेहरा किबले की तरफ किया करते थे आप हम तो सवारी को नहीं मोड़ सकते ट्रेन को तो हम किबले की तरफ नहीं कर सकते हैं। इतना है कि हम किबले की तरफ हो सकते हैं हम जहां बैठे हुए हैं वहां मालूम कर ले किबला किस सिमत में उधर मुंह करके नमाज हम शुरू कर दें अब उसके बाद अगर ट्रेन तब्दील होती है उसकी सिम तब्दील होती है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है अल्लाह तबारक हमारा उस पर कोई मुआजा इनशा नहीं करेगा ला नफसन इल्ला वजह क्या है वजह यह है कि ये सफर लंबा है ये सफर लंबा है कई नमाजें इसमें जाने वाली हैं अगर आप कहें कि मैं निकलने से पहले पढ़ूं और पहुंचने के बाद पढ़ूंगा पता चला दिन भर की पूरी नमाजें चली जाएगी आपको रात में एक दो बजे जाकर जोहर असर मगरिब ईशा वहां पढ़नी पड़ेगी तो उससे बेहतर है कि जब उसका वक्त होता है एक एक मगरबीशा को एक वक्त में आप पढ़ लें एक जमा करके और पढ़ने से पहले इब्तदा में अपना चेहरा कबले की तरफ करके शुरू करें बाद में ट्रेन का जहाज का चेहरा चाहे जिस सिमत में हो जाए तो उसके जिम्मेदार आप नहीं होंगे लेकिन अगर ट्रेन में बैठे हुए या जिस जगह पर हम खड़े होकर पढ़ना चाहते हैं वहां पर चेहरा इब्तदा में क़िबले की तरफ करना ही मुमकिन नहीं है वो भी मुमकिन नहीं आ रहा है ऐसा भी हो सकता है और खड़े होकर पढ़ना तो ये ज्यादा मुश्किल है कि आदमी नमाज पढ़ता रहे कभी इधर डुले कभी इधर डूल पता चला कभी यहाँ पकड़ता है कभी इधर पकड़ता रहता है बैठ खड़े खड़े ये भी उसके लिए परेशानी की बात है तो बैठ कर नमाज पढ़ ले बैठ कर नमाज पढ़ना इस्लाम में तो इजाजत है हम मस्जिद के अंदर आके बैठकर पढ़ते हैं और ट्रेन में खड़े रहकर पढ़ना चाहते हैं तो आप सुकून से ट्रेन के अंदर बैठकर नमाज पढ़ें और अगर उसमें भी ऐसा महसूस होता है कि हमको किबला समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जैसे कल की रिवायत बताई गई थी आपको समझ में ना आया तो आप जिस सिमत में आपको अंदाजा हो रहा है उस सिमत में मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दें अल्लाह तबा रक हमारी इबादतों को कबूल कर देगा अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबाराक व तआ हम तमाम को इस्लामी तालीमात को सही समझने की तौफीक अता फरमाए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात